मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के युवाओं के लिए लर्न एंड अर्न की तर्ज पर रोजगार के लिए कौशल सिखाने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना को लागू किया है। वहीं युवाओं को उद्योग के साथ सर्विस सेक्टर में स्किल ट्रेनिंग के साथ स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारा संकल्प है कि युवाओं को बेरोजगार नहीं रहने देंगे। इस उद्देश्य से युवाओं को रोजगार के लिए कौशल सिखाने के लिए नई योजना लागू की जा रही है। युवाओं को कौशल सिखाने के साथ भुगतान भी किया जाएगा। स्किल ट्रेनिंग के लिए कंपनियां और सर्विस सेक्टर को जोड़ा जाएगा, जिससे वे खुले आसमान में ऊंची उड़ान भर सकेंगे। उन्हें रोजगार, प्रगति और विकास के अवसर भी मिलेंगे। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से जारी प्रेस बयान के अनुसार मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में 1,00,000 युवाओं को 703 चिन्हित क्षेत्रों में दक्ष करने का पहला लक्ष्य तय किया गया है, जो जरूरत के अनुसार बढ़ाया जा सकेगा। योजना में मध्य प्रदेश के 18 से 29 वर्ग के स्थानीय निवासी 5वीं और 12वीं पास युवा को 8,000 रुपये, IIT पास को 8,500 रुपये, वहीं डिप्लोमाधारी को 9,000 रुपये और स्नातक और उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले युवाओं को 10,000 रुपये प्रतिमा स्टाइपेंड देगी। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से जारी प्रेस बयान के अनुसार योजना में ट्रेनिंग देने वाली संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन 7 जून से और युवाओं का रजिस्ट्रेशन 15 जून से शुरू होगा। युवाओं का प्लेसमेंट 15 जुलाई से होगा। राज्य सरकार और ट्रेनिंग देने वाली संस्थाओं के मध्य 31 जुलाई को कॉन्ट्रैक्ट होगा। योजना में युवाओं को 1 अगस्त से ट्रेनिंग दिया जाना शुरू हो जाएगा। योजना में चिन्हित प्रतिष्ठान अपने कुल कार्यबल के 15% की संख्या तक ट्रेनी को ट्रेनिंग दे सकते हैं। जिन प्रतिष्ठानों में कम से कम 20 लोग नियमित रूप से कार्यरत हों, उनको कुल कार्यबल का आकलन EVF जमा करने के आधार पर किया जाएगा और साथ ही युवाओं को स्टाइपेंड 1 वर्ष तक दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।